बोले सफलता का अर्थशास्त्र का बीज मंत्र यही है, अपना भेद किसी के पास न जावे, सब इतने एक सूत्र में बंध जाएं, ये अर्थशास्त्र का बीज मंत्र है। उनकी सलाह गुप्त रहती है, इसलिए आप कहते हो स्वर्ग, अरे वो तो ऐसे यदि गुरु निष्ठा पूर्वक और इस पद्धति से जैसे संगठित होकर वो चल रहे हैं, अपनी योजनाएं किसी के सामने प्रकाशित नहीं होने देते हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग की क्या चलाई, वे तो किसी भी लोक को छीन लेंगे। अब महावाक्य, ब्रह्मा जी का महावाक्य, ऐसा महावाक्य घर घर में लिखा देने योग्य महावाक्य। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम। बहुत प्यारा वाक्य है बाबा, लिखाने योग्य वाक्य घर घर में। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण को, गोविंद को और गोवंश को अपना इष्ट मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, गौ, ब्राह्मण और गोविंद, गोविंद, गौ और ब्राह्मण, इन तीनों को एक रूप मानकर जो आदर करते हैं, ब्रह्मा जी के तो उनका कभी अशुभ नहीं होता, उनका कभी अमंगल नहीं होता। मनुष्य का अशुभ अमंगल होता ही तब है जब किसी न किसी प्रकार से गोविंद का तिरस्कार, गौ का तिरस्कार, ब्राह्मण का तिरस्कार उनके द्वारा होता है, तभी उनको नीचा देखना पड़ता है। इसलिए न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को जो अपना सर्वस्व मानते हैं, इनकी कृपा जिस पर बनी रहती है, उस जीव का कभी भी अमंगल होता नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, अब तुम लोग चले जाओ, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी के पास जाओ और उनके चरण पकड़ लो, और जब तक गुरु जी नहीं आते हैं तब तक थोड़ा टेम्परेरी गुरु, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी गुरु, काम चलाऊ गुरु बना लो। सब चीज तो बाबा काम चलाऊ है सके, पर गुरु काम चलाऊ गुरु ते काम ना चले, गुरु तो गुरु होना चाहिए, काम चलाऊ काय बात को गुरु। महाराज जी इस प्रकरण में ऐसा कहते थे, महाराज जी कहते थे कि ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं की परीक्षा थी, देवता समझ नहीं पाए। देवताओं को कहना चाहिए था कि महाराज आपकी आज्ञा तो हम सिरोधार्य करते हैं कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो, लेकिन आप तो ऐसी कृपा करो, आप तो ऐसा उपाय बताओ कि गुरु जी जिनका अपराध बना वो प्रसन्न कैसे हों, वे ही गुरु जी पुनः कृपा करके हमें दर्शन दे में अपना में, ये बताइए आप। ये यदि वे कहते तो ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को उसी समय मिलवा देते, ब्रह्मा जी में सामर्थ्य, याद करते प्रकट होना पड़ता बृहस्पति जी को, उसी से समझौता हो जाता। लेकिन महाराज ये रजोगुणी लोग, ये संकट में आने पर विनम्रता का नाटक तो करते हैं लेकिन भीतर इनकी ठसक वही रहती है, धन की, संपत्ति की, प्रतिष्ठा की ठसक इनके भीतर रहती है, ऐश्वर्य की। अरे कोई बात नहीं, अपनी गलती क्या थी, खड़े नहीं हुए यही तो था, गुरु जी चले गए चले गए, ब्रह्मा जी ने कह दिया है कि दूसरा गुरु बना लो, कोई बात नहीं हम तो बना लेंगे, दूसरे गुरु बना लेंगे, ये बात हो गई। उसका परिणाम क्या हुआ ये आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा।